अगले दिन उषा को स्कूल संबंधित परीक्षा के मार्क्स जमा करने थे, तो वो अपने घर अपने छात्रों के कुछ परीक्षा पत्रों के बंडल्स लेकर आई। वो उन पेपर्स के करेक्शन में काफी व्यस्त थी। उसका 4 वर्षीय बेटा उसका ध्यान बटाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही जा रहा था। पहले उसने उषा के पास पड़े हुए नोटबुक को लिया, उषा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उस नोटबुक पर वो कुछ ना कुछ लिखता रहा, उषा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके पास के शेल्फ के ड्रॉअर को खोला, उषा ने उससे कुछ भी नहीं कहा। ड्रॉअर को जोर से बंद करने के चक्कर में उसकी उंगलियां ड्रॉअर के अंदर फंस गई और वो जोर जोर से रोने लगा। उषा जल्दी से वहां आई, उसे गोद में उठाई, फिर उसे अपने पति के हवाले कर वो फिर से अपने काम पर लग गई। उसका काम खत्म होते होते काफी देर हो चुका था। वो अपने कमरे में अपने बेटे को सुलाने गई तो वो तब भी रो रहा था। उषा ने पूछा, बेटा बहुत दर्द हो रहा है क्या? तो उसने कहा, हाथ का दर्द तो कम हो गया, मगर जब मेरी उंगलियां फंसी और मैं रोने लगा तब आपने क्या हुआ मुन्ना नहीं चिल्लाया ना, मुझे वो सोचकर ज्यादा रोने आ रहा है। यह सुनते ही उषा की जबान जैसे मुंह में अटक गई। अपने बेटे की भावना को वो कैसे समझ ना पाई, यह सोच सोच कर वो परेशान हो गई। बच्चे क्या, बड़े बड़ों की भी तो यही आशा होती है कि दुख दर्द के समय कोई दिलासा दे दे। अपने दुखों से ज्यादा अगर हमारे साथ दुख दर्द बांटने के लिए कोई ना हो तो वो भावना ही हमें कमजोर और ज्यादा दुखी बना दे। मगर प्रिय दोस्तों, दुखी ना होइए। आपके हर दुख दर्द को समझने और बांटने के लिए प्रभु परमेश्वर है। एक बात हमेशा याद रखें कि मनुष्यों के आगे आपके आंसुओं की कोई कीमत हो या ना हो, मगर प्रभु परमेश्वर आपके हर आंसू और हर दिल के दर्द का हिसाब जरूर रखते हैं। अगर आप अपने दर्द और हर बेचैनी को पूरी तरह उन्हें सौंप दें तो वह ना केवल आपको दिलासा देंगे मगर आपको अपने असीम समाधान से भी भर देंगे।